सो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में आए हो तो आई एम अज्यूमिंग कि आप डिस्कॉर्ड सर्वर के बारे में ही जानना चाहते हैं। डिस्कॉर्ड सर्वर आज के टाइम पे कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए सबसे सही सॉफ्टवेयर है, या आप कह सकते हो सबसे सही टूल है। तो मैं यहाँ पे आपको ना आज बड़े सिंपल शब्दों में बताऊंगा कि डिस्कॉर्ड सर्वर में रोल्स कैसे काम करते हैं। देखो, सेल्फ असाइनिंग रोल कैसे बनाते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, मैं आपको पहले ही क्लियर कर रहा हूँ। फिर मैंने अपना डिस्कॉर्ड सर्वर कैसे ऑप्टिमाइज, कैसे सही बनाया है, वो मैं आपको उससे अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप अपना डिस्कॉर्ड सर्वर एक अच्छे रोल्स, अच्छे परमिशंस के साथ सेटअप करना चाहते हो। तो मैं आपको बेसिकली बताने वाला हूँ कि डिस्कॉर्ड सर्वर में रोल्स एंड परमिशंस कैसे काम करते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको अच्छी लग जाए, आपको लगे कि आपको नॉलेज मिली है, मैंने आसान शब्दों में समझाया है, आपको समझ आया है, तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। तो चलिए वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों, इससे पहले कि हम अपनी लैपटॉप स्क्रीन की तरफ मूव करें, पहले मैं आपको चीज़ क्लियर कर दूं कि डिस्कॉर्ड सर्वर में जो रोल्स हैं वो तीन लेवल पे काम करते हैं। सबसे पहले सर्वर लेवल पे, उसके बाद कैटेगरी लेवल पे एंड उसके बाद चैनल लेवल पे। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ समझनी है कि जब भी आप रोल्स बनाते हो तो कोशिश करो जो परमिशंस आप उस रोल के लिए सोचते हो वो आप उसको हमेशा सर्वर लेवल पे दे दो। देन वी कैन एडजस्ट द परमिशन एंड रोल्स एज अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी एंड एज अकॉर्डिंग टू द चैनल। जब आप एक रोल की परमिशंस को सर्वर लेवल पे सेटअप कर देते हो तो कैटेगरी एंड चैनल पे वही परमिशंस जो हैं उस रोल के लिए इनहेरिट होती हैं, अनलेस कि आप उस पर्टिकुलर कैटेगरी या उस पर्टिकुलर चैनल पे ओवरराइड ना कर दो उस परमिशन को। तो चलिए अब मैं ये आपको लैपटॉप पे ले जाके करके दिखाऊंगा एंड हम देखेंगे कि क्या चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे आप अब क्लियरली देख सकते हो कि ये है हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर। हमने टेस्ट सर्वर के नाम से एक सर्वर बनाया है। यहाँ पे आपको जो है एक डिफ़ॉल्ट कैटेगरी जनरल नाम से, एक डिफ़ॉल्ट कैटेगरी वॉइस चैनल्स नाम से देखने को मिल जाएगी। बट यहाँ पे हमने दो कैटेगरीज बनाई हैं, लेवल वन एंड लेवल टू। जो लेवल वन है उसके अंदर दो चैनल, चैनल वन चैनल टू, एंड सेम इज़ द केस विद लेवल टू, वहाँ पे भी चैनल वन चैनल टू आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम जाएंगे एंड रोल्स में रोल्स डिफाइन करेंगे। ठीक है, हम रोल्स में जाते हैं एंड रोल में हम यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे, आप देख सकते हो हमने एडमिन और मॉडरेटर का ऑलरेडी एक रोल बना रखा है। हम यहाँ पे सबसे पहले एक रोल बनाए, दो रोल्स मैं यहाँ पे आपको बनाऊंगा। सबसे पहले हम बनाएंगे कि लेवल वन मेंबर। ठीक है, लेवल वन मेंबर हो गया कि जैसे ही कोई आपके डिस्कॉर्ड सर्वर में आता है तो वो आपका लेवल वन मेंबर बन जाता है। फिर आता है लेवल टू मेंबर। ठीक है, अब लेवल टू मेंबर को मैं ना लेवल वन से ऊपर रख देता हूँ। ठीक है, लेवल वन मेंबर, लेवल टू मेंबर, जो मेरी लेवल वन कैटेगरी है वो सिर्फ उन लोगों को एक्सेस हो जो मेरे लेवल वन मेंबर हों। हो सकता है लेवल वन मेंबर मैं तभी बनाता हूँ जब डिस्कॉर्ड सर्वर कोई मेरा ज्वाइन करता है, लेवल टू मेंबर मैं तब बनाता हूँ जब मेरी कोई रूल्स एंड परमिशन को एक्सेप्ट करता है, ये अजम्पशंस लेके चल रहा हूँ। तो लेवल टू मेंबर को ही मैं लेवल टू कैटेगरी वाले चैनल्स दिखाऊंगा। तो ये चीज़ मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ, देखो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो जो एट द रेट एवरी वन है इसको हमने कोई भी परमिशन नहीं देनी है, इसको हमने सिर्फ व्यू चैनल की परमिशन देनी है एंड बाकी सारी परमिशंस को मैं यहाँ पे कर दिया है डिसेबल। यहाँ पे कुछ परमिशंस थी जो इसको थी, मैंने उनको कर दिया है डिसेबल। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो कि मैंने एट द रेट एवरी वन को सिर्फ व्यू चैनल्स की परमिशन दी है। ऐसा इसीलिए बिकॉज मैं चाहता हूँ कि जब कोई बंदा मेरा लेवल वन बने उसी टाइम उसको जो है एक तो वो अपने रोल से थोड़ा डिस्टिंग्विश हो सके, डिस्प्ले रोल मेंबर सेपरेटली फ्रॉम ऑनलाइन मेंबर, मतलब ऑनलाइन मेंबर्स और रोल मेंबर्स में थोड़ा सा डिफरेंस हो, डिफरेंट कैटेगरीज में वो दिखे। अब मैं चाहता हूँ कि ये बंदा जो है मेरे चैनल्स को व्यू भी कर सके, तो मैंने इसको व्यू का परमिशन दे दिया। मैं नहीं चाहता कि मेरे चैनल को मैनेज करे या इमोजीज को मैनेज करे, कुछ भी ऐसा करे, लेकिन अपना निकनेम ये चेंज कर पाए। बट मैं ये भी चाहता हूँ कि ये मैसेज को सेंड नहीं कर सके बिकॉज ये लेवल वन है, मैं इसको नहीं चाहता कि ये मैसेज को सेंड कर सके, ये सिर्फ ग्रुप्स को देख सकता है, नथिंग एल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इन सबको कर दिया डिसेबल। बट मैं चाहता हूँ कि हाँ ये मैसेज की हिस्ट्री को रीड कर सके, दैट्स इट। अब वॉइस चैनल्स की आप अपने हिसाब से बना सकते हो। अगर आप चाहते हो कि लेवल वन मेंबर ना तो कनेक्ट कर सके, ना तो बोल सके, ना तो वीडियो कर सके और ना ही यूज़ एक्टिविटी कर सके, तो आप वो चीज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कर दिया सेव। तो अगर हम अब लेवल वन मेंबर को देखें तो लेवल वन मेंबर मैसेजेस को रीड कर सकता है, अपने निकनेम चेंज कर सकता है, इन्वाइट क्रिएट कर सकता है, व्यू चैनल कर सकता है एंड अपने रोल के हिसाब से ऑनलाइन मेंबर से अलग दिख सकता है। अब लेवल टू मेंबर को हम थोड़ी ज़्यादा परमिशंस देंगे। सबसे पहले तो यही देंगे व्यू चैनल कर पाए वो, क्रिएट इनवाइट के चेक निकनेम,
द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो मैसेज भी सेंड कर सके, लिंक्स को एम्बेड कर सके, फाइल अटैच कर सके, रिएक्शंस कर सके, यूज एक्सटर्नल इमोजीज कर सके, मेंशन कर सके, ये सारी चीज़ें मतलब जो एक आपके मेंबर को होनी चाहिए वो मैंने इसको दे दिया। मैं इसको एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बना रहा। अगर आप मॉडरेटर देखोगे तो उसको भी मैंने कुछ ऐसी ही परमिशन दी है। एडमिन जो है वो सिंपल सी बात है, उसको एडमिनिस्ट्रेटर ऑन कर दिया तो उसको सब कुछ मिल जाता है। तो यहाँ पे अब हमने कर दिया सेव। तो यानी अब यहाँ पे आपने क्या समझा कि एट द रेट एवरी वन को कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, मतलब कोई भी बंदा आपके चैनल पे आ जाए उसको कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है, लेकिन जैसे ही वो लेवल वन मेंबर बनता है तो वो एटलीस्ट आपके चैनल्स को रीड ओनली मोड में देख सकता है, क्योंकि हमने लेवल वन मेंबर पे जो है वो व्यू वाला परमिशन दे रखा है एंड मैसेज हिस्ट्री वाला परमिशन दे रखा है। और जैसे ही वो लेवल टू मेंबर बन जाएगा, है ना, वो आप किसी भी तरह से रख सकते हो। लेवल टू जैसे मैंने अपने पर्सनल डिस्कॉर्ड सर्वर पे जैसे ही बंदा मेरे रूल्स एंड परमिशन को टिक करता है तो वो वेरीफाइड मेंबर बन जाता है। तो यहीं पे मैंने लेवल टू मेंबर बनाया है, तो लेवल टू मेंबर जो है वो डिस्प्ले कर सकता है, मैसेजेस वगैरह को सेंड वगैरह कर सकता है। अब इन सेटिंग्स को आपने कर दिया सेव, एंड अब इन सेटिंग्स को हमने क्या करना है, इन सेटिंग्स को अप्लाई करना है अपने डिफरेंट कैटेगरीज एंड चैनल्स पे। तो सबसे पहले ना हम क्या करेंगे, लेवल वन की बात करते हैं। देखो अगर मैं लेवल वन पे जाऊंगा, इस पे राइट क्लिक करूंगा एंड एडिट कैटेगरी करूंगा, यहाँ पे आप परमिशंस में देखोगे तो ये सारी परमिशंस को इनहेरिट कर रहा है फिलहाल के लिए, ठीक है। अब आप कैटेगरी वाइज क्या चाहते हो कि एट द रेट एवरी वन क्या कर सके। मैं नहीं चाहता कि कोई भी बंदा आके मेरे इस चीज़ को देखे, तो एवरी वन जो है उसको मैं इनहेरिट ही करूंगा। कहाँ से? ग्लोबल सेटिंग से। ग्लोबल सेटिंग यानी सर्वर लेवल सेटिंग। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो लेवल वन मेंबर है, बट लेवल वन मेंबर अब बन जाता है, मुझे कुछ एक्स्ट्रा एक्सेस उसको देना है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे आके उसको सेंड मैसेजेस दे सकता हूँ। यानी इस कैटेगरी में वो इन चैनल्स पे सेंड मैसेजेस कर सकता है, एम्बेंड लिंक कर सकता है, अटैच फाइल्स कर सकता है, ऐड रिएक्शन कर सकता है, ऐड इमोजीज कर सकता है। अब यहाँ पे हुआ क्या कि लेवल वन मेंबर की जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है कि वो इनहेरिट करेगा सिर्फ रीड ओनली परमिशंस को, क्योंकि हमने व्यू ऑन किया था। बट मैं इस कैटेगरी के लिए सिर्फ इसको चेंज कर रहा हूँ। अब होगा क्या वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। अब जो लेवल टू मेंबर्स हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सेस लेके आते हैं, तो उनमें मुझे इतने चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने लेवल वन में क्या चेंज किया कि अगर आप लेवल वन मेंबर बनते हो तो एटलीस्ट आप लेवल वन वाले जो चैनल वन चैनल टू है उसमें आप मैसेजेस भेजना स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन लेवल टू पे आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप लेवल टू मेंबर ना बन जाओ। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि लेवल वन वाले मेंबर्स भी लेवल वन के चैनल टू पे कुछ भी नहीं कर सकें, है ना, क्योंकि अगर आप यहाँ पे चैनल टू को एडिट करोगे, मैं एडिट करूँगा, परमिशंस पे जाऊँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो परमिशन सिंक्ड विद कैटेगरी लेवल वन। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो इसका चैनल कौन सा, चैनल टू, मैं चैनल टू में चाहता हूँ कि जो लेवल वन के मेंबर हैं वो व्यू चैनल कर सके, वो तो खैर इनहेरिट कर लेगा, पर मैं चाहता हूँ वो चैनल टू पे ना तो सेंड मैसेज कर सके, ना एम्बेंड लिंक कर सके, ना अटैच कर सके, ना ऐड रिएक्शन कर सके, ना यूज एक्सटर्नल कर सके। तो अब हम इसको सिंक नहीं करेंगे, अगर मैंने सिंक कर दिया वापस उसको उठा लेगा। तो यानी मैंने चैनल टू के, यानी मैंने लेवल वन के चैनल टू के लिए सेटिंग्स को ओवरराइड कर दिया है। अब हम देखते हैं बेसिकली क्या बिहेव करेगा। अब मैं आपको ना समझाता हूँ मैंने किया क्या। मैंने क्या किया कि लेवल वन एंड लेवल टू दो रोल्स बनाए। लेवल वन के लिए मैंने सिर्फ व्यू ओनली एक्सेस दिया था जो आपने देखा परमिशंस में, लेकिन लेवल टू को मैंने थोड़े ज़्यादा एक्सेस दिए थे। ये थी ग्लोबल सेटिंग्स। फिर मैंने कैटेगरी वाइज गया और मैंने लेवल वन में लेवल वन वाले मेंबर्स को ऐड करा, एंड जो भी मेरा लेवल वन मेंबर बनता है वो चीज़ों को सेंड कर सके। तो यानी कैटेगरी में अगर लेवल वन आप बन जाते हो तो आप सिर्फ लेवल वन कैटेगरी में ही मैसेजेस भेज सकते हो। लेकिन मैं चाहता था कि लेवल वन के भी चैनल टू पे वो अभी कुछ भी नहीं कर सके जब तक वो लेवल टू मेंबर ना बने। तो मैंने क्या किया, चैनल टू पे जाके भी ओवरराइड कर दिया। जब भी कोई मेरे सर्वर में आएगा, अगर वो एवरी वन है वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, सिर्फ देख पाएगा चीज़ों को, ठीक है। अगर वो लेवल वन बन जाता है सिर्फ लेवल वन कैटेगरी में ही कुछ कर सकता है, वो भी सिर्फ चैनल वन पे, बिकॉज चैनल टू पे हमने कैटेगरी की परमिशंस को भी ओवरराइड कर दिया है। लेकिन अगर वो लेवल टू बनता है तो वो सब कुछ कर सकता है। अब इस चीज़ को रियल लाइफ में देखते हैं। तो हम दोबारा जाएंगे सर्वर सेटिंग में, रोल्स में जाएंगे, एंड मैं एज अ एवरी वन व्यू एज सर्वर रोल करूंगा। तो अगर मेरे चैनल पे कोई भी एज अ एवरी वन आता है तो आप देख सकते हो वो कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। वो सिर्फ इन चैनल्स को व्यू कर सकता है, बट वो इन चैनल्स पे कुछ भी नहीं भेज सकता। अब हम आते हैं लेवल वन। लेट्स सपोज वो लेवल वन बनता है। लेवल वन में हमने क्या किया था कि लेवल वन वाले को हमने वहाँ पे ऐड किया था, ओवरराइड किया था, और चैनल टू की परमिशन उसको नहीं होनी चाहिए बिकॉज वहाँ पे हमने ओवरराइड किया था। तो आप देख सकते हो लेवल वन कैटेगरी में हमने लेवल वन वाला रोल जो था वो ऐड किया था
इसीलिए उसको परमिशन दी थी, इसीलिए वो लेवल वन में चैनल वन में चेंज कर सकता है, बिकॉज चैनल वन जो है वो लेवल वन की इनहेरिट कर रहा है, लेकिन चैनल टू में हमने ओवरराइड किया, इसलिए वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता। बट अगर आप लेवल टू देखोगे तो लेवल टू में तो वो ऐसे भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो उसको कोई भी एक्सेस नहीं है। अब जैसे ही बंदा लेवल टू बनेगा तो आप देख सकते हो उसके लिए चैनल टू ऑफ लेवल टू, मतलब उसके लिए लेवल टू कैटेगरी का चैनल वन चैनल टू दोनों ऑन है, एंड लेवल वन कैटेगरी का चैनल वन चैनल टू दोनों ऑन है। इस तरह से आप अपने सर्वर लेवल की रोल परमिशंस को ओवरराइड कर सकते हो कैटेगरी में, एंड कैटेगरी को ओवरराइड कर सकते हो चैनल्स में। तो कुछ इस तरह से काम करती है, यानी सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है आपकी सर्वर परमिशंस को, उसके बाद आपकी प्रायोरिटी रहती है आपकी कैटेगरी परमिशंस को, एंड सबसे लास्ट प्रायोरिटी मिलती है आपकी चैनल परमिशंस को। तो आई गेस दोस्तों आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड मुझे ये बताना क्या आप सेल्फ असाइनिंग रोल्स भी समझना चाहते हो बिल्कुल इजी भाषा में। अगर ऐसा है तो मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर वो बताऊँगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।